हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और ये होना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद नीचे आप एक लाल बटन देख रहे होंगे, हाँ नीचे, इसको क्लिक करना भूले नहीं। जी हाँ, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को आज बता दूँ कि आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने भारत देश में बुजुर्गों का स्थान, यानी हमारे भारत देश में बुजुर्गों का आज के इस युग में क्या स्थान है, उसके बारे में आपसे बातचीत करने आया हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इस सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करें, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे और अगर आप मेरे भाषण, हाँ आप जानते हैं कि मैं हमेशा भाषण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तो अगर आपको मेरा भाषण अच्छा लगे और अगर आप अपना विचार भी डालना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं समझूं कि मेरा भाषण आपको कितना प्रेरित किया है। तो बिना वक्त को बर्बाद किए मैं अपने भाषण को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आखिर पूरी दुनिया में भारत प्राचीन काल से क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे उत्तर आ रहे होंगे जिसे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि भारत पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति इत्यादि सभी अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जब यह जानेंगे तो आपको यह हैरानी होगी कि यहाँ के लोग एक पेड़ से लेकर एक जानवर तक को पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत इसलिए प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग एक पेड़ से लेकर एक जानवर तक को पूछते हैं, बल्कि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के लोग वृद्धों का स्थान, यानी बुजुर्गों का स्थान, भगवान से भी ऊपर मानते थे। आप लोगों ने मेरे वाक्य पर गौर किया होगा दोस्तों। दोस्तों, मैंने इस वाक्य में कहा कि यहाँ के लोग बुजुर्गों का स्थान भगवान से भी ऊपर मानते थे। दोस्तों, मैंने इस वाक्य में थे का उपयोग इसलिए किया क्योंकि जो सम्मान, जो आदर हमारे देश के बुजुर्गों को प्राचीन काल में मिलता था, आज उसका 95 या कहिए कि 99% भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। कुछ ऐसी ही पंक्तियां हमारे समाज में बुजुर्गों के सम्मान के लिए कहा जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी इस युग में भी कुछ सत्संगों में, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसी ही पंक्तियां वृद्धों के या कहिए कि श्रोताओं को सुनाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आखिर इस युग में, इस विज्ञान के युग में, सामाजिक कार्यक्रमों में, सत्संगों में ये सारी बातें क्यों होती है? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। दोस्तों, ये सारी बातें सत्संगों में इसीलिए होती है क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हमारे समाज की धरोहर है जिसे आज की युवा पीढ़ी भूलते जा रही है, और इसी बात को आज की युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए
सत्संगों में ये सारी बात होते हैं, लेकिन अब तक की, लेकिन कहिए तो अभी भी हमारे समाज की स्थिति पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है, या कहिए कि नकारात्मक ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज तक ये सत्संगों में भी ये सारी बातें होने के बावजूद आज तक हमारे समाज में बुजुर्गों को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिनके वे हकदार हैं। अरे आज की युवा पीढ़ी को तो शर्म आना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को तो शर्म आना चाहिए कि जिस माँ बाप ने उसे उसकी उंगलियों को पकड़कर उसे चलना सिखाया, उसे एक नया नाम देकर धरती पर रहना सिखाया, आज वही बच्चे अपने जब उनके माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनका हाथ पकड़ के, उनकी उंगलियों को पकड़ के उन्हें चलना यानी उन्हें सहारा देने के बजाय उन्हें धक्का दे देते हैं, सिर्फ अपने पत्नी, बच्चे, दोस्तों इत्यादि व्यक्तियों के लिए। दोस्तों आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उन व्यक्तियों के लिए उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता से ज़्यादा उपयोग या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आप सभी का उत्तर यही होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज की युवा पीढ़ी ऐसा क्यों करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के युग में हमारे समाज में बुजुर्गों को एक के कूड़ा करकट के समान माना जाता है। आज जो माँ बाप तिनका तिनका जमा करके अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाते हैं, मतलब कि एक घर बनाते हैं कि मेरा बच्चा इसमें रहेगा, पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा, और जब वही बच्चे, मतलब जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे उन बूढ़े माँ बाप से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए बचपन से किया ही क्या है जो मैं आपको इस घर में रखूँ। गौर कीजिएगा दोस्तों, जिस घर में वो बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, आज वही बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है कि आपने मेरे लिए बचपन से किया ही क्या है जो मैं आपको इस घर में रखूँ, अपने इस घर में रखूँ, और यह कहकर वह उसे धक्का दे देता है। और ऐसे में आज के बुजुर्ग व्यक्तियों का सहारा बस एक ही बनता है, जानते हैं क्या? सोचिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ऐसे में इनका सहारा एक ही बनता है, वो है वृद्ध आश्रम। दोस्तों वृद्ध आश्रम में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। बुजुर्ग व्यक्तियों को खाने के लिए भरपेट भोजन, रहने को एक छत और इत्यादि, बस यहाँ कमी है तो उनके औलाद की है, जिसे वो पढ़ा लिखा कर इतने बड़े किए, और आज वही औलाद उन्हें घर के बाहर निकाल कर वृद्ध आश्रम छोड़ दिए। अतः हम इन सभी उदाहरणों से यह कह सकते हैं कि बुजुर्ग हमारे समाज की वह छत की तरह है जिसके बिना एक घर में रहना संभव नहीं, असंभव है। अतः मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को यही समझाना चाहूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ बदलना चाहते हैं, मैं अपने विषय ही पे आता हूं, अगर आप अपने बुजुर्गों या अपने भारत देश के बुजुर्गों का स्थान बदलना चाहते हैं, स्थिति बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बदलना असंभव हो। दोस्तों आज हमारे भारत देश में बुजुर्गों का जो भी स्थिति है वो इसका 90% कारण हमारी सोच है, जानते हैं कैसे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर एक बच्चे को अपने माता पिता के साथ विद्यालय जाना है, और अगर उनके माता पिता, मतलब अगर उस विद्यार्थी के माता पिता बुजुर्ग हैं, तो वो बच्चा अपने विद्यालय जाने के पहले 100 बार सोचेगा कि मैं अपने माता पिता के साथ अपने विद्यालय कैसे जा सकता हूँ,
अगर ये वहां चले गए तो मेरे दोस्त क्या उनके बारे में सोचेंगे कि, और फिर उनके जाने के बाद वो मुझे चिढ़ाएंगे कि तुम्हारे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बाल सफेद है इत्यादि, जिसके कारण आज के इस विज्ञान के युग में आज के बच्चे तक अपने माता पिता से घृणा करने लगे हैं। दोस्तों आज हमारे भारत देश में बुजुर्गों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज वो आत्महत्या पर पहुंच जा रहे हैं। जानते हैं क्या कि इनके आत्महत्या के पीछे किनका कारण होता है? नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इनके आत्महत्या के पीछे इनके बच्चे ही होते हैं, या कहिए कि इनके बच्चे ही इनके आत्महत्या के कारण होते हैं। इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, अब मैं यह आशा करता हूं कि आपने मेरे भाषण से कुछ तो सीखा होगा। माना कि आपने 99% नहीं सीखा, लेकिन 1% भी तो सीखा होगा कि आज के इस युग में बुजुर्गों का क्या स्थान है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के सामने चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। एक वृद्ध आश्रम में बूढ़े माँ बाप को देख कर लोग उनके बेटे को ही कोसते हैं। एक वृद्ध आश्रम में माँ बाप को देख कर, बूढ़े माँ बाप को देख कर उनके बेटे को ही कोसा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने में किसी की बेटी का सबसे बड़ा योगदान होता है, और मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। दोस्तों आप किसी भी वृद्ध आश्रम में चले जाइए, अगर वहां किसी भी वृद्ध व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका बेटे, आप यहाँ कब आए, जब आपके बेटे का, आपका बेटे का शादी हो गया, तो उनका उत्तर होगा जी हाँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर एक माँ बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में बेटे का ही सिर्फ योगदान होता है, तो आखिर बेटे शादी की पहले क्यों नहीं भेज देते अपने माता पिता को? सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ये मैं 90% कह सकता हूं कि, मैं 90% कह सकता हूं कि आज जो भी वृद्ध व्यक्ति वृद्ध आश्रम में है वो किन्हीं न किन्हीं की बेटी बेटी के कारण ही है। इसलिए हमेशा बेटे को ही ना कोसे और बेटियां को भी नैतिक शिक्षा पढ़ाएं। सबको अपने अपने माँ बाप प्यारे होते हैं। क्या उन बेटियों को नहीं पता कि जो मेरे पति हैं उनके माँ बाप भी उनके लिए प्यारे हैं, जो वो उन्हें दबाव डाल के कि आप उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, नहीं तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी, यह कह कर उन्हें वृद्धाश्रम भेजवा देते हैं। अरे आप उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अगर यही हालत उनके माँ बाप के साथ हुआ तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए आप लोग अगर मेरे भाषण से थोड़ी सी भी प्रेरित हुए हैं तो अगर तो अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान दें, आदर दें, और उनके साथ बैठकर कम से कम 1 घंटा, नहीं तो कम से कम 20 मिनट तक की, 20 मिनट भी बात कर लें। इसलिए ताकि उन्हें यह संतुष्टि हो जाए कि मेरे बेटे मेरे पोते इत्यादि हमसे दूर नहीं है, बल्कि हम इस परिवार के सदस्य ही हैं। इसलिए अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और मैंने जो जो इस वीडियो में प्रश्न पूछा है तो उसका अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस लाल बटन, हाँ जो नीचे है, हाँ यहीं पे जो नीचे इसको लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर दबा दिया और बेल आइकन पर नहीं दबाया तो अगर मैं फिर से
आपको अपडेट करने के लिए अपने एक न्यू वीडियो को डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? इसलिए बेल आइकन को दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।